हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए और अलग अलग स्टडी मटेरियल्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी के मैं 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल चुका हूँ जूनियर असिस्टेंट के, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिए। हर थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आपको पता है जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलग अलग विभागों के साथ जो रिक्त पद है उसकी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण सरकार के इस चुनाव में अच्छा परफॉर्म ना करने का ये रहा, क्योंकि जो भर्तियां थी इलेक्शन ईयर में बिल्कुल भर्तियां नहीं आई, जो भर्ती आई उसके पेपर आपके लीक हो गए, स्पेशली जो पुलिस वाली भर्ती थी वो। तो इसके साथ आपने देखा होगा परसों रात को मैंने एक फोटो डाला था जिसमें यूबीपीएससी के चेयरपर्सन संजय श्रीनेत सर, यूबी ट्रिपल एससी के चेयरपर्सन प्रवीर कुमार सर, इसके अलावा पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया वाला बना है उसके जितने भी मेंबर्स थे उनको वहां पर बुलाया गया था, क्योंकि ये सब मेन मेन डिपार्टमेंट है जिसकी भर्ती आती है। तो उसके बाद देखिए, एक आज थोड़ा सा एक और लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निकाला गया है, जिसमें अगर आप पॉइंट पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में जितने भी आपके पास रिक्त पद हैं उन सभी पर आप भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। तो सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको बहुत भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली है, इस बात से आप सुनिश्चित बिल्कुल हो जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ जो पॉइंट 8 है, सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए, जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए। तो देखिए 15 दिनों में आपके अधियाचन भेजने की कार्यवाही, मतलब जो आयोग जिस विभाग से संबंधित भर्तियां करता है, जैसे 4200 से नीचे की भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के पास जाती हैं और 4200 से ऊपर की भर्तियां लोक सेवा आयोग के पास आती हैं। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग और हायर एजुकेशन वाली भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की और एलटी ग्रेड की भर्ती अलग अलग विभागों द्वारा कराई जाती है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं सबकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी द्वारा कर ली गई है। अब उन विभागों द्वारा जिन संबंधित आयोगों को अधियाचन भेजना है अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए। इसको सीधा सीधा देखिए आप उससे जोड़ सकते हैं, अभी परसों के न्यूज़पेपर में यह आया था कि ई अधियाचन जो हमारी प्रणाली है उसका आप प्रयोग कीजिए इन अधियाचनों को भेजने में। देखिए क्योंकि डिजिटल इंडिया का युग है तो आपका काफी तेजी से वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है जून के अंत आते आते धीरे धीरे भर्ती जो है या जो नोटिफिकेशन है एडवर्टीजमेंट है वो आने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मैं बता चुका हूँ आपको, लगभग 4697 पदों का अधियाचन बहुत पहले ही आयोग को प्राप्त हो चुका था, जो हमने न्यूज़पेपर में कवर भी किया था। ठीक है, तो उसकी भी आप संभावना पूरी पूरी है आपको या तो जून के लास्ट में या फरवरी के सॉरी जुलाई के फर्स्ट हाफ में 15 तारीख तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। और आपको पता है 8 जुलाई को हमारी डेट भी लगी हुई है। इसके अलावा 4163 पदों पर एलटी ग्रेड की भर्ती है, 1022 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। ठीक है, और अब मुझे लगता है धीरे धीरे जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले बच्चे भी हैं कुछ लोक सेवा आयोग के, उसकी भर्ती भी शायद इस तरीके से अगर काम चल रहा है, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है और अधियाचन भेजने की बात की गई है, तो हो सकता है हमें आने वाले समय में वो देखने के लिए भी मिल जाए। तो ये देखिए काफी अच्छी सभी के लिए मुझे लगता है खबर है। अपनी तैयारी आप देखिए करते रहिए अब, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से जब भर्तियां आनी शुरू हो रही हैं तो जो लंबित भर्तियां हैं यानी जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं उस पर भी आयोग कहीं ना कहीं बहुत तेजी से कार्यवाही अब करेगा, क्योंकि आपने देख लिया होगा जिस तरीके से मीटिंग्स लगातार पिछले 3 से 4 दिनों में की गई हैं, स्पेशली लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है छात्र हित में सरकार अब कदम उठाएगी, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि इलेक्शन का ईयर था और जिस तरीके से ये साल रहा कोई बड़ी भर्ती इस साल सरकार के पास दिखाने के लिए नहीं थी, जो थी उनमें कोर्ट से स्टे लगा हुआ है जिसमें लेखपाल भर्ती काफी बड़ी है। तो अब मुझे लगता है आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में जरूर आप सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। तो अपनी तैयारी आप देखिए अच्छे से करते रहिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, होपफुली इस साल हमें काफी अच्छी वैकेंसीज देखने के लिए मिले, जैसा कि अलग अलग लेटर्स के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बाकी आपका कोई कमेंट हुआ करे तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।